समय परिवर्तन होने से, समय परिवर्तन होने से 16 जून की जगह 23 जून होने से, आप ये बिल्कुल मत समझना कि बहुत खुशी की बात है और समय मिल गया आप तो पता नहीं जाने क्या कर लेंगे। ठीक है, उत्साह के लिए तो ठीक है, लेकिन ये समय सबको मिला है, इक्वल मिला है। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें ये लगा लगेगा कि आज समय मिल गया तो आज तो रिलैक्स हो जाए, कल से देखेंगे। ऐसा नहीं करना है, रिलैक्स नहीं होना। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा था, कभी कभी ऐसे लोग भी पास हो जाते हैं जिनकी मेहनत कम होती है। लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो कैसे हुआ पास, लेकिन वो इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट का पहला मतलब तो ये है कि वो इस सूत्र को समझ जाए, पहले वो करो जो आवश्यक है। ये सूत्र तो भगवान कृष्ण का है, पहले वो करो जो आवश्यक है, फिर वो करना जो संभव है। तो पहले अति आवश्यक चीजों को ही करो। आपको ये छोड़ना आना चाहिए कि नहीं ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो ये समझ जाते हैं कि ये आएगा या नहीं आएगा। जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो सबको इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, वो बेचारे हैं। लेकिन ऐसे इंटेलिजेंट जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं, यदि उन्हें ज्ञान नहीं है तो किसी से समझ लेते हैं कि देखो इंपॉर्टेंट आपका पुराना अनुभव रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पर फोकस कीजिए। कहते हैं ना बहुत धीमे धीमे, मान लो आप एक आदमी है पूरा चक्कर काट के आ रहा है, वो भी गंतव्य पे पहुंचेगा। एक आदमी है कि वो जानता है कि यहां होके शॉर्टकट रास्ता है, वो कम चलकर भी उससे पहले पहुंच जाएगा। लेकिन जो इसका मतलब है, जो जानता है रास्ता कहाँ होकर है, जानता है रास्ता कहाँ होकर है, इसीलिए आप मेरे पास आए हो। तो अब की स्थिति में मैं ये जानता हूं कि मुझे क्या आप लोगों को कराना चाहिए और क्या से दूर कर देना चाहिए। इसलिए जिन चीजों को मैं छोड़ देता हूं उन पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और जिनको मैं कह रहा हूं कि ये इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा राउंड वाला है, उस पर फोकस करना है। उस पर फोकस करके आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और यही उद्देश्य भी है। देखो एक एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आप कई बार दावत खाने जाते हो ना, तो दावत खाने जाते हो तो आपके पेट का एक साइज है, उस पेट में उतना ही आना है, चाहे आप उसे पानी से भर लो, चाहे आप किसी और चीज से भर लो, तो आना तो उतना ही है। ऐसे ही जहां 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होना है, तो इसमें क्या होगा, 15 तो किसके हैं, हिंदी के, और 15 इंग्लिश के, और इसमें 35 क्रिमिनल लॉ के, और 35 सिविल लॉ। वैसे ये जो 35 35 का ये हमने बना रखा है, लेकिन ये कभी कभी चेंज होता है। आ जाओ आप भी आ जाओ। 35 सिविल, 35 क्रिमिनल लॉ।
ठीक है, ये आपके सबके समझ में आ गया कितने इतने नंबर आने। अब हम इसकी बात करें 70 क्वेश्चंस की, तो इन 70 क्वेश्चंस में एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन भी माना जाए तो टॉपिक कितने हैं? अरे टोटल लॉ में टॉपिक कितने हैं? देखो सिंपल सी बात है, एक्ट कितने हैं? एक एक्ट में से एक माना जाए तो 18 हो गए। अब चूंकि कुछ एक्ट बड़े हैं, जैसे सीआरपीसी बड़ा है, तो सीआरपीसी के इसमें 10+ और कर दो। ठीक, आईपीसी बड़ा है, इसके 10+ कर दो। एविडेंस बड़ा है, इसके 5+ कर दो। कॉन्ट्रैक्ट के 5+ कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन के 8+ कर दो। कितने हो गए ये? अरे ये कितने हो गए? 38 और प्लस फिफ्टी सिक्स हो गए ना, और 4 टीपी के कर दो, 60 हो गए ना, और 12 फिर माइनस के कर दो आगे इसी में। सीबीसी में से कम आता है, सीबीसी में से 5 या 6 क्वेश्चन आते बस। ठीक है, ऐसे डिवीजन होगा करीब करीब। जब ऐसे डिवीजन होगा तो हमने यहां कितने माने, एक तरह से एक इसमें है इसका, एक इसमें है, 11। अभी सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो इसलिए सीआरपीसी पे फोकस करेंगे, तो 11 माने। ठीक, अब एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन नहीं आया ना, तो सबसे पहले पहले हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मान लो, सिर्फ महत्वपूर्ण चैप्टर्स का, सारे चैप्टर्स नहीं। जैसे आपने मान लिया एक अन्वेषण में से आएगा, ठीक है, एक दो सौ ग्यारह से लेके 224 तक का आएगा, एक मतलब दो ट्रायल में से आएंगे, एक अपील में से आएगा, एक जमानत पे आएगा। पता है बहुत बारी एरिया, कई बार सोचते हैं ना स्टूडेंट, सर इसमें ये नहीं पढ़ा है, अरे वो उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे भाई, मात्र 10-11 क्वेश्चन आने हैं पूरी सीआरपीसी में से। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब पेट भरते हो ना तो आप क्या जाते हो, जो समझदार आदमी है, समझदार आदमी है वो क्या करता है, एक चम्मच तो रबड़ी खा के देखेगा, फिर एक चम्मच कोई दूसरी चीज खा के देखेगा, एक एक थोड़ी थोड़ी खा के देगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई बाजरा की रोटी में लग जा रहे तो घर पे ही बनती है। और जो ना समझ कई बार दावत में घुस जाता है, पर वो पेपर ना समझ नहीं बनाता, ना समझ दावत में घुस जाता है तो पता लगता है वो तो रसगुल्ले खा खू के पेट भर गया, वो और क्या था, अरे यार अब बस की नहीं है। तो ऐसे ना समझो से थोड़ी पेपर बनवाया जाता है, पेपर तो समझदार बनते हैं, और यही डिवीजन होता है पेपर का, पहले पूरा एनालिसिस होता है किसमें से हमें कितना लेना है, और फिर एक सब्जेक्ट में से कितना आया, 11 आया। अब 11 आया तो सीआरपीसी में 11 में ऐसे नहीं कहीं से भी शुरू कर दिया, अरे भाई 11 क्वेश्चन तो डेफिनेशन क्लॉज में से ही बन जाएंगे, एक क्वेश्चन डेफिनेशन क्लॉज पे आएगा,
फिक्स है। एक क्वेश्चन अरेस्ट पे से आएगा कि बिना वारंट के कब अरेस्ट करते हैं कब नहीं करते हैं। ऐसे करके 10-11 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी उसी समझदार व्यक्ति के लिए ये समय है, एग्जाम है, जो ये समझ सके कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और छोड़ना ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए पढ़ने के बजाय, क्योंकि छोड़ने वाला पार्ट ज्यादा है। सब कुछ पढ़ोगे, अच्छा इसका प्रोविजो भी देख लेंगे, देखते रहो ना, कुछ होगा नहीं, फ्री नहीं होगा। क्लियर? जो इस तरह के सब कुछ पढ़ने की कोशिश करने वाले इंटेलिजेंट के, तो फ्री नहीं क्लियर होगा। अच्छा यहां जो पेपर मार्क्स आते हैं ना, इनमें 30 में हिंदी मीडियम वालों के तो पूरा दम लगा लेते हैं, वो तो 5 से लेके 6 तक ही आते हैं उनके। और यहां जो है हिंदी वाला, कोई अच्छे से पढ़ता है ना तो 10 के आसपास आते हैं, अच्छे पढ़े 10-12, 15 में 15 से नहीं होते। तो टोटल कितने हुए? 15-16 सही हुए। लेकिन यहां क्या होता है, जो 70 है ना, तो कितने ही स्टूडेंट हैं 70 में 70, कितना 70 में 70 सही हो जाता है लॉ में, क्योंकि लॉ में कहीं बाहर से कुछ आता ही नहीं है। अंग्रेजी में तो एक ऐसा कोई सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लिया, या एक ऐसा कुछ पूछ लिया, ऐसा कोई मीनिंग डाल दिया आपकी समझ में ही नहीं आया क्या है। हजारों मीनिंग है, कहाँ से करोगे? कितने भी सर रोजाना मीनिंग सिखा रहे हो, तो पता लगा वो मीनिंग आपको सिखाया भी है तो आपको नहीं याद हुआ। ये तो लॉ है, इसमें तो फिक्स है, इसका आपको मिनिमम पता होना चाहिए। तो हर सेक्शन में काम की बात है, मुश्किल से 2 लाइन की है। सारा सेक्शन काम का थोड़े होता है, सारा सेक्शन काम का नहीं होता, 2 लाइनें काम की होती हैं, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन बस। इसमें 70 में 70 सही हो सकते हैं। मान लो मैं मान भी लेता हूं 5 गलत होंगे, और आपने ये स्कोर किया यहाँ पे 10-15 के आसपास, तो लगभग आप सेफ साइड हो। 75 से 80 वाले सब पूरी तरह सेफ हैं, वो फेल नहीं हो रहे इसमें। समस्या उनको आती है जो 50-55 पे अटक जाते हैं। अब चूंकि संख्या ज्यादा है, कट ऑफ नीचे जाने की संभावना है, लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं होती तब तक रिजल्ट नहीं आता। वो रोजाना यही पूछते फिरते हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। हमारे पास 85 आते हैं, फोन आते हैं, सर कट ऑफ कितनी जा रही है? सर को थोड़ी पता है। और जो लोग कट ऑफ निकाल देते हैं वो बेवकूफ बनाते हैं। अंदाज है, अंदाज तुम भी लगा सकते हो। मैं तो किसी को नहीं कहता कि भाई कट ऑफ इतनी जाएगी, मुझे पता ही नहीं होती, मुझे क्या पता कट ऑफ कितनी जाएगी। ये तो बात ऐसी है कि कोई पूछे मोदी जी 400 पार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मोदी जी को खुद नहीं पता। नारा लगाने में तो क्या है, मांस की जीभ है, कुछ भी लगा दो 500 पार कर दो, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि वो कितना पार हो रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि दोबारा आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, और ये किसी को पता चल नहीं सकता। ऐसे ही इसमें है कि कोई पता नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो ये है कि अभी जो समय है उसमें आपके लिए छोड़ने आने का विज्ञान आपको पता होना चाहिए कि ये छोड़ना है। नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं यार इसको भी रिवाइज करके देख ले। आपका मन भी कहेगा कि नहीं नहीं इसको भी रिवाइज करके देख ले,
एनर्जी सीमित है और समय भी सीमित है, और समय और एनर्जी जब सीमित है तो उसका दोहन भी सीमित तरीके से आपको करना होगा। आप एनर्जी को उड़ाते जा रहे हो और समय को भी वैसे ही उड़ाते जा रहे हो हवा में, तो नहीं होगा भाई कुछ भी। समय सीमित, एनर्जी सीमित, ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। तो ये जो आगे का समय है, हम किसी भी कंडीशन में क्लासेस या किसी भी चीज में ऐसे कमजोर नहीं पड़ेंगे कि नहीं जी अब तो 7 दिन के लिए हट गया। नहीं, वो तो हमारे लिए 1 घंटे के लिए नहीं हटा, बल्कि हम तो और तेजी से करेंगे, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत तेजी से मेहनत कर रहे होंगे, तो हम तो और मजबूती से मेहनत करने की कोशिश करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है ना? तो ये रोजाना के पेपर में आप काउंट किया करो कि अभी आपका स्कोर क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, अलग अलग करते हो ना शाम के पेपर में। तो हिंदी में जिनके 10+ आ रहे हैं, 10 से ज्यादा आ रहे हैं नंबर आपका है, और जिनके हिंदी में 5 से 10 के बीच में आ रहे हैं, जिनके 5 से 10 में आ रहे हैं ना, 5 से 10 में आ रहे हैं, उन्हें और मेहनत करनी चाहिए। हिंदी में नंबर लाना सरल है। आपको देखो एक चीज समझो, मान लो आपको आपको ये कहा जाए कि आप अपनी मुट्ठियों में यहां सोना पड़ा है, चांदी भी पड़ा है, हीरे भी पड़े हैं, ठीक है, जो आप ले जाना चाहो ले जाओ, लेकिन उतना ही ले जा सकते हो जितना मुट्ठी में ले जा सकते हो, तो आप क्या उठाओगे? एग्जैक्टली जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, डायमंड उठाओगे, सोचोगे सोने का क्या करेंगे इतने का, इतने डायमंड में तो काफी और सोना आ जाएगा। तो यही कोशिश करो कि नंबर कहां से बटोरे जा सकते हैं, इकट्ठा किए जा सकते हैं, वहां से नंबर इकट्ठा करने की कोशिश करो, वहां से नंबर। अब जैसे हिंदी है, हिंदी ना चाहते हुए भी आपकी मातृभाषा है, इसमें ना चाहते हुए भी आप स्वतः स्कोर ज्यादा कर लोगे। कारण सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं तक हिंदी चलती चली आई, और आपने चाहा भी नहीं तो भी आपके दिमाग में है वो। और ये जो सर जो पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, वो भी कौन सी पढ़ा रहे हैं? वही नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं वाली। जैसे राजस्थान बोर्ड की या शायद एनसीईआरटी की किताब आती है हिंदी की, हाँ सारा पेपर उसी में से आ जाता है, सारा पेपर उसी में से आ जाता है। ठीक है, पेपर लगभग उसी में से आ जाता है, उसमें कोई टफ पेपर आता नहीं। तो आप यहां 10 में 10 पक्के रखो। अब रही यहां, यहां 5 आ जाएंगे आपके। 5 कैसे आ जाएंगे? देखो ना चाहते हुए भी आप सब में ये करे आओ ना अंग्रेजी वालों में, तो भी 6-3 आ जाएंगे, तो भी कितने आ जाएंगे? 3। आपने ए लगाया, बी लगाया, सी लगाया, जो मन करे वो लगाया, तो भी 3 आ जाएंगे। आपको लाने कितने हैं? 5। तो दो थोड़ी समझदारी करी, रोजाना पढ़ रहे, कुछ तो समझ में आए। अरे कुछ नहीं होगा तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ही याद कर लेना, वन वर्ड सी याद कर लेना, उनमें से एक आएगा तो एक वो बढ़ जाएगा आपके। हैं? उसकी तो बात अलग है, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो किस तरह का आएगा वो, नहीं वो इजी नहीं है। अभी अभी बहुत सारे सेंटेंस हैं, मैं उन सेंटेंसेस का यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूंगा,
मैं वो टेस्ट नहीं लेना चाहता कि आप कह रहे हो सरल है, वो सरलता तो मैं आपके सामने सेंटेंस रख के चेक कर सकता हूँ, पर कोई मतलब नहीं है उसकी। तो इसलिए आप तो इसको सरल मानो हिंदी वाले को, और इसमें थोड़ा सा और जब जोर लगाया ना तो ये 15 में 15 तक भी हो जाएगा, इसमें 15 में 15 तक हो जाएगा। यदि आपके 10 यहां हो गए, 5 यहां हो गए और 65 यहां हो गए, कितने हो गए? 80। आप 100% सेफ हैं। और जो 80 करके आ रहा है ना, वो मेंस के लिए भी सेफ है, वो मेंस के लिए भी सेफ है। मतलब जो अभी इतनी ताकत लगा रहा है कि वो 80 पे जा रहा है, इसका मतलब मेंस भी तो साथ के साथ तैयार हो रहा है, अकेला प्री थोड़ी तैयार हो रहा है, मेंस भी तैयार हो रहा है। वही हिंदी इंग्लिश को छोड़ दो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश वहां अलग टाइप से आनी है, वहां तो ऐसे लिखाने आएगा। लेकिन आपके वर्तनी ठीक है, आपके पास वोकैब ठीक ठाक हो गई है प्रीलिम्स में, तो मेंस में आपके पास वो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉ में जो अभी तैयारी कर रहे हो ना, यही तैयारी करनी है मेंस में। और मेंस में करना क्या है कि अभी पढ़ रहे हो इतना, प्री के लिए पढ़ रहे हो इतना, मेंस के लिए रह जाएगा इतना। अब आप कहोगे कि कम पढ़ना है क्या? हाँ, मेंस के लिए कम पढ़ना है। मेंस के क्वेश्चन सभी जगह नहीं बनते हैं, मेंस में दो ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक आपका प्रस्तुतिकरण और एक आपकी ये समझ कि क्वेश्चन बनते कहां से हैं। वहां पर भी प्री तो कर जाते हैं लोग पास, वहां पर भी लगे रहते हैं, ये भी पढ़ो, ये भी, उसके नोट्स ले आए, इसके नोट्स ले आए, उसकी किताब ले आए, उसके उसका यूट्यूब चैनल देख लिया, उसके ऑनलाइन क्लास देख ली, वो अपना ऐसा कचरा बनाते हैं कि वो पास नहीं हो सकते। सीमित पढ़ना है उसमें, आप देख रहे हो ना, हर चैप्टर के पीछे, नोट्स के पीछे आरजेएस में आए हुए क्वेश्चन वो दिए हुए हैं। इस किताब को जो अभी आप नोट्स पढ़ते हो ना, इस किताब को मैंने बहुत बहुत मन से लिखा था, बहुत मन से। अब देखो आप इसमें इसकी कैटेगरी समझो कैसी है किताब, इसकी किताब की विशेषता बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये किताब ही कहता हूं मैं इसको, नोट्स न कह के। पहली बात तो ये बेयर एक्ट में से निकाली हुई है सब कुछ। दूसरी बात, जहां जहां इंपॉर्टेंट केस लॉज थे वो मैंने वहां डाल दिए हैं, अननेसेसरी केस लॉज से बर्डन इसका नहीं बनाया है। तीसरी बात क्या किया, हर चैप्टर के पीछे जो मेंस में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चंस डाले हैं। वो इसलिए डाले हैं कि पहले क्वेश्चन लिखे थे और बाद में नोट्स बनाए थे, नोट्स को उतना ही बनाया जितने में वो क्वेश्चंस का आंसर्स वहां समराइज हो रहा है। फिर जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हुए वो प्री के, और जो बन सकते थे वो करीब 350 के आसपास इसमें क्वेश्चन पीछे के पीछे ऑब्जेक्टिव डाले हुए हैं इन्हीं नोट्स में। फिर अब देखो इससे भी ज्यादा, इसमें जो विभिन्न इंटरव्यूज में पूछे हुए, बच्चों को पूछे हुए क्वेश्चन, इंटरव्यू बोर्ड्स ने पूछे, वो क्वेश्चंस की भी श्रृंखला पीछे दी हुई है। अब वो कैसे हुए, जैसे मैं खुद भी इंटरव्यू दे के आया तो मैं भी लिख लेता था, औरों के पहले मेरी आदत थी हर एक के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा तेरे को, तो मैं लिख लेता था। वो क्यों लिखता था? क्योंकि जो इंटरव्यू बोर्ड है वो इंटरव्यू बोर्ड ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग पार्ट पर ही क्वेश्चन पूछता है, तो उनके सारी प्रश्नावली बनाते 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 मैंने इस पर सारी डाल दी। लेकिन सारे सारे में ऐसा नहीं है, सारे नोट्स में ऐसा नहीं है, आईपीसी में भी है, एविडेंस में भी है, सीपीसी में भी है, लेकिन ये इंटरव्यू वाले क्वेश्चन सारे में नहीं पड़े हुए, ये सीआरपीसी में ही पड़े हुए जो इंटरव्यू में पूछे गए, और 1 साल के इंटरव्यू में नहीं पूछे गए, कम से कम 7 5 7 साल तक मैं लिखता था हर एक का। अच्छा क्या क्या पूछा था बताना, तो एक डायरी बना ली थी, उनको फिर मैंने इसमें उतार दिया, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि कैसे हम पूरा उपयोग करेंगे
इन 7-8 दिन जो हमें एडिशनल मिले हुए हैं। और तो और यहां मैं आपको हाथ लेकर, आपका हाथ पकड़कर खींच रहा हूं, ये एक दिन आप करके देखना। ये सीआरपीसी का एक्ट ही इतना दुरूह है कि आप इसमें चलने की कोशिश करेंगे ना तो 10-15 पेज में जाके हाँफ जाएंगे कि नहीं अब नहीं चला जाएगा। और सब कुछ आपको तो ऐसा लगेगा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीचर हाथ पकड़ के खींच रहा है आपको, उसमें से आप जा रहे हैं। अच्छा, जैसे वैकेंसी ज्यादा आई है तो स्वाभाविक है, कि जैसे बहुत सारे अभी जो एक इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट में यही कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया होगा, कल एक दो जने आए थे, तो उन्होंने क्या किया कि पुराना अपना अनुभव नहीं है लेकिन उन्होंने फैकल्टीज को रख लिया, फैकल्टीज को रख लिया, फैकल्टीज अच्छा उनका ये भी अनुभव नहीं है कि फैकल्टीज को उनको आता क्या है, कितना पुराना फैकल्टी है, नए नए स्टूडेंट जिन्होंने पिछले बार तैयारी कर रहे थे उन्हें कहीं नहीं मिला, अच्छी अंग्रेजी वगैरह बोल लेते थे, खट से वहां चले गए और उन्होंने कहा साहब हम फैकल्टी बनना चाहते हैं, अब वो फैकल्टी तो रख लिया उनको, जैसे वैकेंसी आई छोड़ छाड़ के भाग गए, छोड़ छाड़ के भाग गए। तो जितने भी नए नवेले जो पढ़ाना शुरू करते हैं उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो उन्हें अपना हड़ में हम तो अपना देखेंगे, तो खट से वो तो वो यहाँ आए बच्चे। तो मैंने कहा भाई देख कैसा है, मेरे पास कोई ऐसी जन्म गुट्टी नहीं कि मैं पिला दूं और तत्काल पास करा दूं, मेरे तो जब कोर्स चल रहा है ना इसी में बिठा सकता हूँ। बंटी मुझे पूछ रहा था ऐसे, मैंने कहा मना कर दे, उस रूप में नहीं कुछ कर सकते, जो अलग से हम उसको पढ़ाएंगे कुछ नहीं कर सकते। ये तो ये है, कंटिन्यू कंटिन्यू ये चलते जाओ, अब मुझे थोड़ी एग्जाम देना है, आपको दिलाना है, और आपको दिलाने के लिए आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे, आपसे कम नहीं आपसे ज्यादा, ठीक है।